यूँ तो हर बच्चे में कोई ना कोई कला। जब एमपी के सिंगरौली जिले में ऐसा गजब स्कूल है जहां पढ़ने वाले बच्चे दोनों हाथों से लिख सकते हैं, वो भी अलग अलग भाषाओं में, और हर बच्चे को ये महारत हासिल है। देखिए रिपोर्ट। एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये पंक्तियां यूं ही नहीं गढ़ी गईं। एमपी वाकई अजब है। दरअसल प्रदेश के सिंगरौली जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल बुधेला, जहां पढ़ने वाले बच्चे दोनों हाथों से लिख सकते हैं। इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अनोखे बच्चे दोनों हाथों से एक साथ 6 अलग अलग भाषाओं में लिख सकते हैं। एक हाथ से हिंदी और दूसरे हाथ से इंग्लिश लिखते हैं, साथ ही संस्कृत, रोमन, अरबी और उर्दू भी लिखते हैं। 6 भाषाओं का हमें ज्ञान है, जिससे हम एक समय में हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश हिंदी, उर्दू रोमन संस्कृत आदि भाषाओं को लिख सकते हैं। हाँ, जैसे नॉर्मली बच्चे सब जगह के एक हाथ से लिखते हैं, हम उन्हीं विषयों को बस एक समय में दो विषयों को एक साथ लिखते हैं। पहले मैं जब LKG में एडमिशन लिया तो मेरे गुरु ने एक हाथ से लिखाने सिखाया, एक भी हाथ से लिखने नहीं जानता था। फिर राइट हैंड से हमको लिखने सिखाया, फिर धीरे धीरे करते करते लेफ्ट हैंड से सिखाया, फिर हम दोनों हाथों से लिखना सीख गए। नर्सरी से लिखना स्टार्ट किया, पहले राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया, और थर्ड में आया तो दोनों हाथ से लिखने लगे। अच्छे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, देवनागरी, उर्दू नंबर। वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल बुधेला को 1999 में विरंगत शर्मा ने शुरू किया था। वे बताते हैं कि बच्चों को दोनों हाथों से लिखवाने की प्रेरणा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उन्हें मिली, इसीलिए स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों को नर्सरी से ही दोनों हाथों से लिखवाने का प्रयास करवाया जाता है। इतना ही नहीं, 3 घंटे की परीक्षा के दौरान बच्चे एग्जाम पेपर दोनों हाथों से लिखने के कारण 1.5 घंटे में ही पूरा कर देते हैं, साथ ही 100 तक के पहाड़े भी फर्राटेदार बोलकर सुना देते हैं। मैं सोचता था कि 24 घंटे में 6 घंटे सोने को देते रहे होंगे गुरुजी, और 1-2 घंटे उनको शौच आदि भोजन आदि, 2-4 घंटे मिलाकर ऐसे 15 घंटे, और 15 घंटे भी लिखेंगे तब भी 32,000 शब्दों को कैसे लिखा जाता रहा होगा। इन सब बातों से प्रेरित होकर धीरे धीरे खोजते खोजते मेरा मन किया कि मैं दोनों हाथ से लिखूं, और दोनों हाथ से लिखने की जब कुछ अक्षर बढ़े, वह बात देखकर मेरे मन में आया कि नहीं, 32,000 शब्दों को जरूर लिखते रहे होंगे, दोनों हाथ से लिखते रहेंगे तब हो जाता होगा। आज दोनों हाथ से सब बच्चे लिखते हैं, लिखता हूँ तो 32,000 नहीं बल्कि और अधिक लिख लिया जाता। वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल भले ही बाकी स्कूलों की तरह सामान्य दिखता हो, लेकिन यहाँ दी जाने वाली अनोखी कला की शिक्षा इस स्कूल और यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सबसे अलग बनाती है। बंसल न्यूज़ के लिए सिंगरौली से अनिल सिंह की रिपोर्ट।